हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित आजम। दोस्तों आपको जानकारी देने वाले हैं लेविपिल 500 mg टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेविपिल 500 mg गोली के बारे में आपको आज जानकारी देंगे, वो भी हिंदी में, कि क्या इस टेबलेट के फ़ायदे हमें मिलेंगे, किस बीमारी में यूज़ की जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस, पैकिंग, पूरी जानकारी हिंदी में आज हम आपको देने वाले हैं। आप दोस्तों ऐसे कीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। लेविपिल 500 mg टेबलेट जो है दोस्तों, इसको मार्केट और मैन्युफैक्चर किया जाता है सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। इस टेबलेट में दोस्तों सॉल्ट डाला गया है जिसका नाम है लेविट्रासेटाम, जो कि 500 mg के रूप में डाला गया है। ओके, अगर दोस्तों लेविपिल 500 mg टेबलेट के इसके पहले हम प्राइस और पैकिंग के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों 15 गोलियों के इसके एक स्ट्रिप का प्राइस है लगभग 220 रुपये के करीब। ओके, अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इस टेबलेट के फ़ायदे और उपयोग के बारे में। तो दोस्तों लेविपिल 500 mg टेबलेट का उपयोग किया जाता है मिर्गी और दौरों का इलाज करने के लिए। लेविपिल 500 टेबलेट जो है दोस्तों एंटी कॉन्वल्सेंट नामक दवाओं के एक ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। यह दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को धीमा करके काम करती है, जो दौरे और फिट वगैरह जो है हमारे दिमाग में पैदा करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। इस दवा का इस्तेमाल जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार के दौरों का इलाज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने डुलने, ठीक है, जागरूकता की कमी और डर या फिर एंग्जायटी जैसे लक्षणों को कम करने में काफ़ी मदद करती है। यह दवा लेने से दोस्तों आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आप करने से पहले डरते थे, जैसे कि स्विमिंग होगी, ड्राइविंग वगैरह होगी, ये सब आप करने से नहीं डरेंगे। ओके, अब दोस्तों क्या है कि इस दवा को असर करने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुराक जो है दोस्तों लंबे समय तक दी जाती है दौरे और फिट्स की, ठीक है। इस दौरान दोस्तों अगर हम खुराक भूल जाते हैं तो हमें दौरे और फिट्स वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा यही होगा कि हमें कोई भी खुराक जो है इस दवा की नहीं भूलना चाहिए, हमें रोज़ाना दवा का सेवन जो है करना चाहिए जिस हिसाब से आपको डॉक्टर ने बताया गया है। दवा का उपयोग जो है हमें जारी रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछे बिना जो है दोस्तों दवा को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेविपिल 500 mg टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों लेविपिल 500 टेबलेट के कुछ कॉमन से 4-5 साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चक्कर आना, थकान, तंदरा, सर दर्द, भूख में कमी, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, संक्रमण, जी मचलना, ऐंठन, ठीक है, गले और नाक के मार्ग की सूजन आ जाना, ठीक है, सुस्ती आना, सर में चक्कर आना। तो ये साइड इफेक्ट जो आपको देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट के उपयोग के दौरान। दोस्तों ज़्यादातर साइड इफेक्ट में क्या है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है, और जैसे ही आपका शरीर जब दवा के हिसाब से ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी धीरे धीरे आपकी बॉडी से गायब हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहें, आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी जानकारी दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लेविपिल 500 टेबलेट जो है ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों लेविपिल 500 टेबलेट जो है एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की सतहों पर विशिष्ट साइटों से जुड़कर काम करती है। यह दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य गतिविधि को दबाती है और दौरों का कारण बनने वाले विद्युत संकेतों के प्रसार को रोकने का काम करती है, ठीक है। इनसे क्या होता है कि हमारे जो दौरे और फिट्स वगैरह होते हैं उनको रोकने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी लेविपिल 500 mg टेबलेट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी जो है इजीली हिंदी और सिंपल भाषा में समझ आ चुकी है। अगर आपको जानकारी दोस्तों समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को जो है जरूर लाइक करें एंड चैनल को दोस्तों कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।